गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो क्लास होगी उसमें हम एमरजेंसीज जो हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एमरजेंसीज पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डील करता है हमारा आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक, तो ये जो पार्ट है हमारा ये एमरजेंसीज के साथ डील करता है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ये एमरजेंसीज के बारे में होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें तीन तरीके की एमरजेंसीज जो हैं वो होती हैं। एक होती है आपकी नेशनल एमरजेंसी, दूसरी प्रेजिडेंट रूल होता है या फिर स्टेट एमरजेंसी इसको कहा जाता है, तीसरी आपकी फाइनेंशियल एमरजेंसी। जो आपकी नेशनल एमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 352 के तहत आती है, आपका प्रेजिडेंट रूल जो होता है वो आर्टिकल 356 के तहत आता है, और जो आपकी फाइनेंशियल एमरजेंसी होती है वो आती है आर्टिकल 360 के तहत। तो इन तीनों एमरजेंसी जो है इनके बारे में हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये जितना डिस्कशन वाला पार्ट होगा इसको काट के जो आपका यूट्यूब जो है उसमें सबके लिए पब्लिक जो है वो कर दिया जाएगा, और जो इसके जो नोट मेकिंग वाली जो पार्ट होगा उसका वो जो है वो हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एमरजेंसीज, एक एक करके जो है तीनों को डिस्कस करेंगे हम, और आज ही की क्लास में तीनों इमरजेंसीज जो है उनको फिनिश करेंगे। क्लास जो है हो सकता है 2 से 2.5 घंटे तक की क्लास जो है वो चली जाए, उसके बाद एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो लिखवाऊंगा, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो अभी तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्टली एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, वो भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 2021 में, और उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आज आपको और लिखवाऊंगा, क्योंकि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSPs जो है वो किए थे, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एंड में वो भी लिखवा दूंगा, उसके आंसर जो है वो आपको मुझे लिख के जो है वो सेंड करने हैं, और उसका जो मॉडल आंसर जो है वो मैं आपको इससे नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको लिखवा दिए जाएंगे। तो आज का टॉपिक चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमरजेंसीज, मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 13 के अंदर आती हैं, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक जो है एमरजेंसीज की प्रोविजन जो है वो इसमें दी गई है। तीन तरीके की इमरजेंसीज होती हैं। सबसे पहले देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो अब तक 3 बार जो है वो लगाई गई है। एक लगाई गई थी 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, और यही इमरजेंसी जो है ये कंटिन्यू रही थी 1965 तक भी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है। सेकंड आपकी इमरजेंसी जो है वो लगाई गई थी 1971 में जब इंडिया पाक वॉर होती है, और जिसमें जो है बांग्लादेश जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। और थर्ड जो आपकी इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई गई थी 1975 में। इसको इंटरनल इमरजेंसी जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी। ये इसमें जो आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है इसको लगाने के जो है 3 ग्राउंड्स होते हैं। पहला ग्राउंड होता है अगर हमारी जो है किसी देश के साथ जो है वॉर हो जाए, पहला ग्राउंड ये होगा। दूसरा क्या कहते हैं आपकी एक्सटर्नल एग्रेशन, और अगर इंटरनल एग्रेशन जो है वो, ठीक है। तो जो आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें 3 चीजें जो है वो ये चीजें ये मेंशन थी कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो कब कब लगाई जा सकती है, अगर वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर इंटरनल एग्रेशन हो। तो इसी इंटरनल एग्रेशन के ऊपर जो है जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 1975 में इमरजेंसी जो है वो लगा दी। जब उस टाइम पे इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी तो उस टाइम पे उन्होंने किसी से भी नहीं पूछा था, ठीक है, अपनी मर्जी से उन्होंने जो आपके जो प्रेसिडेंट थे उनको बस एक लेटर लिखा और प्रेसिडेंट को जो इमरजेंसी जो है वो लगानी पड़ी। तो इस वजह से ये इंटरनल एग्रेशन वाली बात जो थी, बात जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंटरनल एग्रेशन जो है ये तीनों चीजें जब आप कह रहे हो कि वॉर क्या होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होगा और इंटरनल एग्रेशन जो है ये क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेशन जो है इसकी अभी तक कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वॉर जो है किस चीज को कहा जाएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन किस चीज को कहा जाएगा, इंटरनल एग्रेशन जो है वो किस चीज को कहा जाएगा, क्योंकि इंटरनल एग्रेशन के थ्रू जो है मिसयूज किया गया था पावर का। तो इस इंटरनल एग्रेशन को हटा के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्म्ड रिबेलियन से चेंज कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन, कि अगर देश में जो है आर्म्ड रिबेलियन हो जाए तो उस केस में जो है आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है, ठीक है।
अब ये बेसिकली इसका जो सही जो सलीका है वो क्या होता है, इमरजेंसी कब लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी सिर्फ, इन सब चीजों को जो है फिलहाल के लिए भूल जाओ, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जो है अभी हम वो कवर कर रहे हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो कब कब लगाई जा सकती है, वो लगाएगा कौन, सबसे पहले लगाने वाली अथॉरिटी जो है वो है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो लगाएगा कौन नेशनल इमरजेंसी, वो लगाएंगे प्रेसिडेंट। और कब लगाएंगे, When president is satisfied, अगर president जो है वो satisfied हो, ठीक है, किस चीज से satisfied हो, इस चीज से कि security of India is an imminent threat on the grounds of, कौन कौन से grounds, कि जब security of India जो है वो threat में हो, कौन कौन से grounds में, war हो, ठीक है, यही external aggression हो और armed rebellion हो, ठीक है, external aggression और armed rebellion, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में जब प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो कि इन तीनों के बेसिस पे जो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट में है, एमिनेंट थ्रेट में है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी जो है उसको प्रोक्लेम कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ये चीज जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेसिडेंट को जो है असेंट लेना पड़ेगा, सॉरी प्रेसिडेंट को जो है एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट देगी कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट जो है एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट देगी प्रेसिडेंट को और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो आपका ये लगा देंगे बाय द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यस नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमारा देश जो है वो इमिनेंट थ्रेट में है, किसकी वजह से, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तब जो है ये आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाएगी। अब अगर आप अपना एनसीईआरटी खोल के देखो तो उसमें क्लास क्लास सेवन या क्लास एट में जो है एक डायग्राम जो है फोटोग्राम जो है वो बनी हुई है, तो उसमें क्या है, एक बाथटब है, बाथटब में जो है प्रेसिडेंट जो है वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक दरवाजा है, दरवाजे से एक हाथ निकलता है और उसमें जो है एक क्या कहते हैं वो हाथ जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं उनको जो है एक पर्चा जो है वो पकड़ाता है। तो पर्चा में बेसिकली क्या लिखा होता है कि पर्चे में ये लिखा होता है कि आपको जो है देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी है और ये जो हाथ होता है पीछे वो इंदिरा गांधी का ऐसे करके दिखाया गया है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इस टाइम पे 1975 के आसपास वहां तक जो था जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके पास जो है सॉरी ये वाली बात जो थी कि कैबिनेट जो है रिटर्न रिकमेंडेशन देगा उन वो जो रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए होती थी कैबिनेट की वो उस टाइम पे नहीं चाहिए होती थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंटरनल एग्रेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, पूरे ये जो आपका देश के कुछ हिस्से थे या पूरा देश जो था उसमें इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी वो लगा दी गई, ठीक है। तो इसी चीज का ये बेसिकली पिक्टोरियल जो है पिक्टोरियल फॉर्म में इसको जो है डिपिक्ट किया गया आपकी क्लास सेवन या एट्थ की एनसीईआरटी में, हो सकता है नाइन्थ की एनसीईआरटी में हो, ठीक है, लेकिन हाँ वहां पे की में जो है इस तरीके की वो दी गई है। तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो होते थे उनको पहले जो है कोई भी रिटर्न में जो है कैबिनेट जो है उनको रिटर्न में प्रेसिडेंट को कुछ भी लिख के नहीं देना होता था, तो इसका मिस यूज किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। तो उसके बाद जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें यह बात कही गई कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी जो है उसको प्रोक्लेम कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले रिटर्न जो है कैबिनेट की तरफ से उन्हें रिटर्न फॉर्म में लिख के दिया जाएगा कि देश को जो है नेशनल इमरजेंसी की जरूरत है। प्रेसिडेंट उसके बाद जो है अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट जो है वो देंगे और तीनों में से जो भी उसके बेसिस जो है वो बनाए जाएंगे उसके बेसिस पे देश में नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये था सारा आपका कि नेशनल इमरजेंसी पहले किस तरीके से लगाई जाती थी और अभी जो है करंट में नेशनल इमरजेंसी जो है उसका क्या प्रावधान है, ठीक है। और इस टाइम पे ये जो कैबिनेट थी इनको पता भी नहीं था कि देश में जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, उनको जो है रेडियोस के थ्रू पता चला कि देश में जो है नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। ये बात जो थी सिर्फ इंदिरा गांधी और जो प्रेसिडेंट जो थे इन दोनों को पता थी। प्रेसिडेंट को इंदिरा गांधी ने बोला कि आप इस पे साइन करो, प्रेसिडेंट को साइन करने पड़े और जो है देश में नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई और इसी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो गिर गई थी, ठीक है। उसके अलावा जब ये जो आपकी जो नेशनल इमरजेंसी जो है ये जब लग जाती है, मान लो अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, तो मान लो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है 1 जनवरी, मैं ना इसको मिटा के बता दूंगा अच्छे से,
एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। तो मान लो क्या होता है कि आज हाइपोथेटिकली मान लो कि 1 जनवरी 2023 चल रहा है, ठीक है। तो आज के दिन प्रेसिडेंट ने क्या बोला, रिटर्न में प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया। तो आज के दिन प्रेसिडेंट ने क्या किया, आज के दिन प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि आज के बाद से जो है, आज से देश में नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। तो जब से लगाई जाएगी उस चीज को क्या कहा जाता है, प्रोक्लामेशन, कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया है कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना होता है कि मान लो जिस दिन प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया उससे एक महीने के बीच बीच, विद इन वन मंथ, क्या होगा कि स्पेशल मेजॉरिटी जो है उसके थ्रू दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू दोनों हाउसेस में ये बिल जो है ये लाया जाएगा, प्रोक्लेमेशन जो है ये लाई जाएगी कि दोनों हाउसेस उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है उसको स्पेशल मेजॉरिटी से अगर एक महीने के अंदर अंदर उस चीज को पास कर देते हैं तो उसके बाद 6 महीने के लिए जो आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाएगी, ठीक है। क्या होगा, जिस दिन प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया उसके एक महीने के अंदर अंदर स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू दोनों हाउसेस को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस को, इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। अगर दोनों हाउसेस जो है इसको पास कर देते हैं तो नेशनल इमरजेंसी जो है यहां से लेके 6 महीने तक के लिए नेशनल इमरजेंसी जो है वो लग जाएगी, जिस दिन दोनों ने पास कर दिया। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 1 फरवरी को दोनों ने पास कर दिया, इससे पहले भी पास कर सकते हैं, ठीक है। एक महीने का टाइम दिया गया है कि एक महीने से पहले अच्छा, नेशनल इमरजेंसी जब करने जा रहे हो तो जहां पे एक महीना लिखूं ना, क्योंकि बीच में मैं 30 डेज भी लिखवाऊंगा आपको, जहां पे लिखूं एक महीना तो एक महीने का मतलब एक महीना है, ठीक है। वो एक महीना 28 दिन का भी हो सकता है, ठीक है, एक महीना 29 दिन का भी हो सकता है, एक महीना 30 दिन का भी हो सकता है, और एक महीना 31 दिन का भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे एक महीना लिखा है या 6 महीने लिखे हैं तो वहां पे आपको महीने के हिसाब से ही चलना है, ठीक है, वहां पे उसको मंथ ही लिखना है। ये कंफ्यूज करती है यूपीएससी, पीपीएससी भी कंफ्यूज करती है, वो आपसे एक महीने की जगह कई जगह पे 30 डेज जो है वो लिखवा लेती है, ठीक है। तो उसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना, जहां पे एक महीना बोल रहा हूं वहां पे एक महीना लिखना, कई जगह पे एक जगह पे मैं 30 डेज भी बोलूंगा वहां पे आपको 30 डेज लिखने हैं, ठीक है। यहां पे रहो फिलहाल कि एक महीने के अंदर अंदर इसको दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, अगर वो ये जो प्रोक्लामेशन की है नेशनल इमरजेंसी की उसको अगर दोनों हाउसेस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास कर देते हैं तो अगले 6 महीने तक के लिए नेशनल इमरजेंसी देश में लगाई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर दोबारा लगाने की जरूरत है तो फिर से एक महीने के अंदर अंदर जो है क्या कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस के बीच पास करवाया जाएगा। जब वो पास कर देंगे देन 6 महीने के लिए फिर से नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई दी जाएगी। ऐसे ही चलता रहेगा आपका 6-6 महीने अप टू इंफिनिटी, ठीक है, कि जब तक ये 6-6 महीने के बाद जब तक ये जो है करते जाएंगे ये इनफिनिट टाइम तक के लिए ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये तो था। और मान लो इन केस दोनों में से कोई भी हाउस जो है उसको पास नहीं करता, ठीक है, मान लो कोई भी हाउस जो है उसको पास नहीं करता तो वो जो नेशनल इमरजेंसी है वो खुद से हट जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी इसमें कुछ आपके राइट जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है स्टेट की जो वो है किस चीज को डिसॉल्व करना है, स्टेट असेंबली जो है उसको डिसॉल्व करना है नहीं करना है, ठीक है, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो है कि जिस दिन से आपके राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होंगे वो कॉन्सिक्वेंसेज स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है। और वो कब तक रहेंगे कॉन्सिक्वेंसेज, जब तक आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो रहेगी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी का टाइम जो है, टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, टाइम लिमिट कब से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा जिस दिन दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, ठीक है, उस दिन से लेके अगले 6 महीने तक, ठीक है। तो ये रहेगा उनका टाइम लिमिट किसकी, नेशनल इमरजेंसी की। लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कब से स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया था कि आज से नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस SCQUENCES कॉन्सिक्वेंसेस जो है ये उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं जिस दिन प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर देते हैं आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है।
तो इतना समझ में आ गया है, तो इतना पहले लिख लो, ठीक है। इसके बाद जो इसके आगे वाला पार्ट जो है वो लिखवाता हूं, वो समझाता हूं, ठीक है। पहले इतना लिख लो, लिखो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी। अब जो है क्या कहते हैं, अब मान लो क्या हुआ कि एक महीने के अंदर अंदर आपका दोनों हाउसेज जो है उन्होंने इसको अप्रूव जो है वो करना था, किससे? स्पेशल मेजोरिटी से। अब नेक्स्ट क्या होता है कि मान लो पांच साल राज्य लोकसभा जो है उसके मान लो पांच साल जो है पूरे होने वाले थे, उससे पहले ही, ठीक है, पांच साल पूरे होने को मान लो एक हफ्ता रहता था या दो हफ्ते रहते थे, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है। तो दो हफ्ते रहते थे किसी हाउस, मान लो लोकसभा जो है उसके इलेक्शन होने में, ठीक है। अब जब पांच साल बाद हर पांच साल बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, तो अब उससे क्या हुआ, दो हफ्ते पहले ही हमारी जो है वो जंग हो गई पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि दो महीने ही हुए थे, ठीक है, तो अभी मतलब आगे दो महीने ही रहते थे, और किसी वजह से लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब डिसॉल्व होना वो सब क्या होना वो समझो पहले, ठीक है, कि डिसॉल्व होना वो क्या होता है, या वो सब तीन चीजें होती हैं, आपका सस्पेंशन, डिसोल्यूशन, और आपका तीसरा होता है अबॉलिशमेंट, ठीक है। तो ये वैसे ही ये आपका पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन क्योंकि यहां पे समझाने के लिए आपको बताना जरूरी है, तो ये चीज जो मैं यहीं पे करवाने जा रहा हूं, जब पार्लियामेंट करेंगे तब इस चीज को नहीं कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे तीन चीजें होती हैं आपकी, सबसे पहली होती है आपकी पार्लियामेंट का डिसॉल्व होना, सबसे पहला होता है सस्पेंड होना, सस्पेंशन, डिसोल्यूशन एंड अबॉलिशमेंट। इस चार्ट को भी एज इट इज ही बना लेना, ठीक है। यहां पे आपके आ जाएंगे हाउसेस, ठीक है, कौन कौन से हाउस होते हैं आपका, एक होता है लोकसभा, ठीक है, देन होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देन होता है आपका एक राज्यसभा, और राज्यसभा के जैसा ही स्टेट्स में क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, जो आपकी बाइकैमरल स्टेट्स होती हैं वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है वो होती हैं, और जो होती हैं आपकी क्या कहते हैं जो यूनिकैमरल होती हैं, जैसे पंजाब है, ऑलमोस्ट सारी हमारी स्टेट्स जो है यूनिकैमरल ही है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, ठीक है, जहां पे बाइकैमरलिज्म चलता है, ठीक है। तो वहां पे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करती है, बाकी स्टेट्स होती हैं वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इतना टेबल बना लो, फिर करवाता हूं आपको। ये ग्लास जो है इसको आप पार्लियामेंट मान लो, ठीक है, कि ये ग्लास जो है ये पार्लियामेंट है, इसके अंदर जो पानी है उसको आप मान लो कि आपका जो है एमपीज हो गए या एमएलएज हो गए, ठीक है। तो सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि एमएलएज या एमपीज को सस्पेंड कर देना, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब क्या होगा कि अब पानी जो है वो आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, पानी चुप गया आपसे। सस्पेंशन का मतलब जो है वो क्या होगा कि एमएलएज हैं, एमपीज हैं, लेकिन उनके पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, उनको एक जो है पर्दे में रख लिया गया है, वो मतलब होता है सस्पेंशन का, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से हाउसेज जो है उनको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। जो आपकी लोकसभा होती है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, लोकसभा को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये एवरग्रीन हाउस होता है। एवरग्रीन हाउस होने का मतलब ये है कि इसकी लाइफ जो है वो हमेशा के लिए रहती है, ठीक है, हर छह साल बाद जो है इसके कुछ मेंबर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, वन थर्ड मेंबर जो होते हैं वो उसके चेंज हो जाते हैं, लेकिन बाकी के मेंबर जो होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो अगले उनका टेन्योर जैसे जैसे आता जाता है तो वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो इसका टेन्योर जो होता है राज्यसभा के एक पर्टिकुलर मेंबर का वो छह साल होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके लोकसभा के ऊपर, ठीक है। लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो पांच साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी उनके मेंबर जो है उनको सस्पेंड जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसी तरीके से आपके ये जो होती है
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसको सस्पेंड जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, वो कब सस्पेंड किया जाता है, जब आपका प्रेजिडेंट रूल जो है वो लगा दिया जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी आपके जो MLAs जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी सारी पावर जो है वो सेंट्रल सरकार जो होती है उनके पास आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जरूरत नहीं होती, तो इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं को सस्पेंड जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है सिर्फ उसी को सस्पेंड जो है वो किया जा सकता है। ना तो आप लोकसभा होती है उसको सस्पेंड कर सकते हो, उसके MPs को, ना आप राज्यसभा जो होते हैं उसके उसको सस्पेंड कर सकते हो, हाउस को। ठीक है, ना ही आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसको सस्पेंड कर सकते हो, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। वो भी कब? आर्टिकल 356 के तहत, जिसको प्रेजिडेंट रूल कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ इनको जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, इस हाउस को जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सस्पेंशन। अब होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इनको जो है, पहले क्या हो रहा था कि यहां पे जो है MPs एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, इस क्लास में एग्जिस्ट कर रहे थे, मैंने इनको छुपा लिया था बस ऐसे। अब क्या होगा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये होता है डेजोल्यूशन का मतलब कि MPs है ही नहीं। ठीक है, MPs है ही नहीं, सिर्फ हाउस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो किस किस को डिसॉल्व किया जा सकता है वो देखते हैं। ठीक है, राज्यसभा जो होती है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अब डेजोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि MPs ही नहीं रहे, MLAs ही नहीं रहे। ठीक है, तो लोकसभा जो होती है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और हर साल, हर 5 साल बाद वो डिसॉल्व भी होती है। ठीक है, जब नए इलेक्शंस जो होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो हर 5 साल बाद जो है, जो है आपके लोकसभा जो होती है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। सेम गोज फॉर योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हर 5 साल बाद जब स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तो उसको जो है डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हर 5 साल बाद, एवरी 5 ईयर्स, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए। ठीक है, जब पार्लियामेंट करवाऊंगा तब बताऊंगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो क्या होता है। बेसिकली जब जो है MPs कह दें या MLAs कह दें कि हमें जो है अपनी सरकार के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो वो पूरी की पूरी सरकार जो है वो गिर जाती है। ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं डिसोल्यूशन। अब क्या बचा आपका? एबॉलिशन। एबॉलिशन का मतलब ये होता है कि ये चीज ही नहीं रही। ठीक है, कि ना तो आपकी पार्लियामेंट रही, ना ही आपकी ये जो है राज्यसभा रही, ना लोकसभा रही, ना ही स्टेट असेंबली रही, ना ही ये रही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि लोकसभा रही ना। ठीक है, तो लोकसभा को अबॉलिश नहीं किया जा सकता। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को आप अबॉलिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बेसिक उसका फेडरल का बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का। दूसरा, वो बेसिक उसका है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो इनको भी अबॉलिश नहीं किया जा सकता। देन आते हैं आपकी राज्यसभा, इसको भी अबॉलिश जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है। देन आते हैं आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल किया था। ठीक है, कि ये जो है सिंपल मेजोरिटी से, इसको जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिंपल मेजोरिटी से बनाई भी जा सकती है, और सिंपल मेजोरिटी से इनको अबॉलिश भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है, अब आते हैं हमारा सस्पेंशन की या डिसोल्यूशन। ठीक है, तो क्या हुआ कि मान लो, इतना आपको अगर समझ में आ गया सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन होता है कि MLAs या MPs जो होते हैं उनको सस्पेंड कर देना। ठीक है, तो MPs को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, MLAs जो होते हैं उनको आर्टिकल 356 के तहत सस्पेंड किया जा सकता है। अब डिसोल्यूशन, लोकसभा जो होती है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ना तो राज्यसभा, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पे, क्या हुआ कि किसी वजह से आपकी लोकसभा या राज्यसभा डिसॉल्व हो गई। ठीक है, सॉरी, राज्यसभा तो हो गई नहीं, लोकसभा मान लो किसी वजह से डिसॉल्व हो गई, तो लोकसभा जो थी वो खाली हो गई, अब वो बिल जो है वो पास नहीं कर पाई। ठीक है, डिसॉल्व हो गई, किसी वजह से हो गई, या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, या फिर 5 साल बाद जो इलेक्शंस आने थे वो इलेक्शंस आ गए, तो उसके बाद जो है लोकसभा, यानी इसी बीच क्या हो गया, आपकी ये लग गई, नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब लोकसभा जो होगी वो तो डिसॉल्व है, और हमने क्या किया पढ़ा था कि इसको 1 महीने के अंदर अंदर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू दोनों हाउसेस के द्वारा अगर पास करवाया जाएगा तभी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगेगी, अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगेगी। वहीं पे आपकी 1 महीने के अंदर अंदर अगर पास नहीं होगा तो यहां पे आते ही आपकी, जैसे ही 1 महीना हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको इतना जो है वो समझा दिया था।
अब मान लो क्या हुआ, एक हाउस जो था वो डिसॉल्व हो गया, तो उसमें जो है आर्टिकल में क्या प्रोविजन दी गई है, हमारी नेशनल इमरजेंसी जो है वो क्या प्रोविजन दी गई है कि जैसे ही लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स नए इलेक्शंस जो है फ्रेश इलेक्शंस वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। मीनवाइल राज्यसभा जो होगी, जिस दिन प्रोक्लेम कर दिया प्रेसिडेंट ने, राज्यसभा जो होगी वो 1 महीने के अंदर अंदर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू उसको तो पास करना ही पड़ेगा, ठीक है, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा रह गया था। लोकसभा को क्या करने को बोला गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाए, फ्रेश इलेक्शन होंगे, उसके बाद सरकार जो चुन के आएगी उसको क्या करना है, उसको 30 दिन के अंदर अंदर, यहां पे 30 डेज है, यहां पे मंथ की बात नहीं हो रही, यहां पे 30 दिन ही लिखे हैं, तो उनको 30 दिन के अंदर अंदर ही इसको जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करवाएंगे वो, ठीक है। अब मान लो किस दिन पास करवाते हैं, 1 जनवरी 2023 को प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया, ठीक है, बीच में क्या हो गया कि कुछ वजह, किसी वजह से वो जो है वो चीज ना हो पाई, ठीक है, राज्यसभा जो है, लोकसभा जो है वो आपकी डिसॉल्व हो गई, ठीक है, राज्यसभा ने 1 महीने के अंदर अंदर उसको पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा क्योंकि डिसॉल्व थी तो हम मान लेते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो पूरे देश में कंडक्ट करवाए गए और जो है आपके सरकार जो है वो चुन के आ गई, ठीक है। तो 1 जनवरी के बाद 2 महीने कितने हो गए आपका, 1 मार्च आ गया, ठीक है, 1 मार्च आ गया, या जिस दिन भी डिसॉल्व हुई थी उसके अकॉर्डिंग चल दो, ठीक है। मान लो 15 जनवरी को डिसॉल्व हो गई थी तो 15 जनवरी के बाद 2 महीने कितने हो गए, 15 मार्च, ठीक है, तो 15 मार्च को सरकार जो है वो चुन के आ गई। अब 15 मार्च के बाद अगले 30 दिन के अंदर अंदर इनको क्या करना होगा, इनको ये जो आपकी ये जो है नेशनल इमरजेंसी उसको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास करवाना होगा, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर। तो मान लो 15 मार्च के बाद 30 दिन कब बनते हैं, 31 वगैरह वो देख लेना, ठीक है, मार्च का महीना 31 का होता है, तो आई थिंक ये आपके 14 अप्रैल को बन जाएंगे 30 दिन, 14 अप्रैल, ठीक है, तो 14 अप्रैल को आपके 30 दिन बन जाएंगे, तो 14 अप्रैल से पहले पहले इनको जो है वो चीज पास करवानी होगी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। अब इन्होंने क्या किया, मान लो 14 अप्रैल को ना करवा के इन्होंने क्या कर दिया, 15 मार्च को इनकी पहली मीटिंग होती है, तो उसके बाद जैसे ही उसकी पहली मीटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो इन्होंने मान लो क्या कर दिया, 20 मार्च ले लो कि 20 मार्च को इन्होंने स्पेशल मेजोरिटी से ये पास कर दिया। अब 20 मार्च के बाद अगले 6 महीने तक जो है आपकी इसकी टाइम लिमिट रहेगी, ठीक है, तो उसकी टाइम लिमिट अब यहां से होगी 20 मार्च से, अगर ये डिसॉल्व हो जाती थी, ठीक है, तो दोबारा से समझ लो इसको, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, क्या होता है जिस दिन प्रेजिडेंट प्रोक्लेम कर देते हैं इमरजेंसी उसी दिन से उसके कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इसको पास करवाना होता है, ठीक है। इन केस लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा, राज्यसभा जो होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर, सॉरी 1 महीने के अंदर अंदर पास करेगी, क्योंकि यहां पे 1 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा जो होगी उसको पास करना होगा। लोकसभा क्या हुई थी, वो डिसॉल्व हो गई थी, तो प्रावधान यह है कि लोकसभा को विद इन 6 मंथ्स दोबारा से खड़ा किया जाएगा, मतलब लोकसभा में जितने भी एमपी जो है उनको चुन के आएंगे, सरकार जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है। अब 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, सरकार बनेगी, जिस दिन उस सरकार की पहली मीटिंग जो है वो होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको क्या करना है कि इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है, ठीक है। जिस दिन वो पास हो जाएगी उसके 6 महीने तक, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक ये आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो रहेगी। उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, जिस दिन दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, राज्यसभा पहले ही करके बैठी थी, जिस दिन लोकसभा ने पास कर दिया उस दिन मान लिया जाएगा कि आज की तारीख से दोनों हाउसेस ने नेशनल इमरजेंसी जो है उसको पास कर दिया है, जो प्रोक्लामेशन थी उसको पास कर दिया है, तो उस दिन से अगले 6 महीने तक की टाइम लिमिट के लिए आपके देश में नेशनल इमरजेंसी की वो टाइम लिमिट रहेगी। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कब से स्टार्ट हो गए थे, जिस दिन प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया था, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब इतना लिख लो, फिर इसके बाद विड्रॉल करवाता हूं, देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो करेंगे, ठीक है।
तो अब तक आपने समझा कि ये जो है आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है उसको प्रोक्लेम जो है वो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि इसको जो है एक बार प्रोक्लेम हो गई, अब इसको विड्रॉ जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इसको विड्रॉ करने के तीन तरीके होते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए समझने से पहले आपको जो आपका पार्लियामेंट जो होता है टॉपिक उसके अंदर एक चीज जो है वो और आती है कि हाउस को जो है समन करना, एडजर्न करना, एडजर्नमेंट सीनेट आई क्या होता है और प्रोरोगेशन जो है वो क्या होता है, क्योंकि उसका जो है वो काम आएगा अभी विड्रॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है। तो पहले इस चीज जो है इसको समझ लो, ये भी आपके पार्लियामेंट का पार्ट है, अभी करवाने जा रहा हूं, ठीक है। हो सकता है वहां पे मैं ना करवाऊं आपको जब हम पार्लियामेंट कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे समझ लो कि समन जो है वो क्या होता है। तो समन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो है पार्लियामेंट, जब आपके इलेक्शंस वगैरह हो जाते हैं ना, तो पार्लियामेंट जो होती है उसको समन किया जाता है, या जब न्यू सेशन जो होता है उसको जो है वो समन किया जाता है, ठीक है। तो उसको समन करने वाली अथॉरिटी जो है वो कौन होती है, वो होती है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट होती है आपकी समन करने वाली अथॉरिटी। जिस दिन आपको समन कर लिया जाता है उसके बाद जो होता है, जब हाउस जो होती है उसकी मीटिंग्स वगैरह हो जाती है, तो हाउस जो होता है उसको एडजर्न कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये एडजर्न जो है वो कौन करता है, वो करता है आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, यहाँ पे स्पीकर जो है वो होता है, ठीक है। देन एडजर्नमेंट सीनेट आए, ठीक है, ये भी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और प्रोरोगेट जो होता है कि सारा आपका सेशन जो है वो खत्म हो चुका है, तो प्रोरोगेट करने वाला कौन, अथॉरिटी कौन होती है, वो होती है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसको समझने का तरीका देखो, जब आप एडमिशन लेते हो, आपने एकेडमी में एडमिशन ली, तो किसके नाम पे एडमिशन ली थी, ठीक है, मेरे नाम पे एडमिशन ली थी, ठीक है, कि युगल रंधावा जो है वो आपको पढ़ाएंगे, तो उनके नाम पे आपने एडमिशन ले ली मेरे नाम, ठीक है। तो आप सबको समन किसने किया कि इस दिन जो है आपकी क्लासेस जो है इस दिन से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको समन करने वाला आपके पास जो है एक मैसेज आ गया था कि इस दिन जो है आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, और नीचे एंड में युगल रंधावा या एसआरएस अकेडमी ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो ये अकेडमी है, ठीक है, मेरी अकेडमी है, तो मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। तो आपको बुलाने वाला कौन है, मैं, ठीक है। किसके नाम पे आए थे आप, मेरे नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे समन किसने किया आपको, प्रेसिडेंट ने, ठीक है, जिसकी एकेडमी थी या मैंने आपको समन किया, ठीक है। देन आपका एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का मतलब क्या है कि मान लो आपको जो सब्जेक्ट जो है, वैसे तो ज्यादातर सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मान लो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो बाकी टीचर्स भी पढ़ाएंगे, जैसे मेगा मैम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ाएंगे, तो उस टाइम पे वो आपको मैंने आपको बता देना है कि हाँ ये वाले टीचर जो है ये आपको ये वाला सब्जेक्ट जो है ये पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे इकोनॉमी जो है वो इतने अच्छे से नहीं आती, ठीक है, तो वो दूसरे टीचर जो है इकोनॉमी वो करवाते हैं, तो मैंने क्या बोलूंगा कि ये जो है इकोनॉमी करवाने के लिए ये वाले पर्टिकुलर टीचर जो है वो आएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गए, वो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो हो गए, ठीक है। तो मैंने उनको इतनी पावर्स दे दी कि क्लास जो है वो किस तरीके से लगाई जाएगी, कितने टाइम की क्लास होगी, वो सारी चीजें जो है वो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप क्लास में आए, ठीक है, मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ने आए या लॉ का कोई सब्जेक्ट पढ़ने आए, ठीक है, तो आप आए, तो आपको जो टीचर जो आपको पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको जो है ये सारा सब्जेक्ट जो है इतने टाइम में फिनिश हो गया, तो वो सब्जेक्ट आपका फाइनली फिनिश हो गया, ठीक है। तो वो चीज हो गई कि जो आज से इतने टाइम के बीच में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने आपको पढ़ाया, जो मैम आपको पढ़ाते थे उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने बोल दिया कि आज के बाद जो है ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तो वो हो गया आपका एडजर्नमेंट, ठीक है, कि सारा इस टॉपिक का काम जो है खत्म हो चुका है, तो वो हो गया आपका एडजर्नमेंट। अब इसी के साथ एडजर्नमेंट सीनेट आए जो है उसको भी समझो, इसका भी ऑफिसर कौन होता है, आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, एडजर्नमेंट साइन डे सीनेट आए, ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एडजर्नमेंट सीनेट आए का मतलब क्या होता है कि क्या हुआ कि टॉपिक जो है वो 30 दिन में फिनिश होना था, ठीक है, टॉपिक फिनिश हो गया 28 दिन में या 27 दिन में, ठीक है, टॉपिक फिनिश हो गया, तो आपको मैम ने क्या बोला कि आप लोग ऐसे करो, मेरी तरफ से टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया है, लेकिन मेरे को एक दो दिन दे दो, मैं चेक कर लूं कि कोई टॉपिक जो है अगर रहता होगा तो आपको दोबारा बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो वही मतलब होता है एडजर्नमेंट सीनेट आएगा, ठीक है, कि जो आपके जो एमपीज या एमएलएज जो होते हैं उनको जो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो कह देते हैं कि आप अपने घर में जाना, अभी हाउस जो है वो सेशन में है, लेकिन आपको जो है देख लेते हैं, अगर कोई काम होगा तो आपको दोबारा से बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो उसी का चीज का मतलब ये होता है कि एडजर्नमेंट सीनेट आए, आपको एक डेट जो है वो दे दी जाती है कि जो है सॉरी एडजर्नमेंट जो है इसमें जो है अब आपको नेक्स्ट डेट जो है वो दे दी जाती है कि अब जो नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो इस डेट से होगी, ये डेट एंड टाइम जो है वो दे दिया जाता है एडजर्नमेंट, ठीक है। एडजर्नमेंट सीनेट आए में आपको कह दिया जाता है
कि मेरी तरफ से काम जो है वो फिनिश है, हाँ, लेकिन आगे एक दो दिन में अगर कोई काम आ जाता है, ठीक है, तो आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। इसमें कोई भी डेट और टाइम जो है वो आपको नहीं दिया जाता, ठीक है, ना ही एमपीज जो होते हैं उनको डेट एंड टाइम वो दिया जाता है। उनको ये कह दिया जाता है कि हाँ अभी हाउस जो है वो सेशन में है, तो आपको कहीं भी जाना नहीं है। हाँ, आपको जरूरत नहीं है कि आप हाउस में हो, जब हाउस में आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अर्जनमेंट का मतलब क्या होता है कि अर्जन कर देना उनको, उनको डेट जो है अगली जो उनकी मीटिंग होती है उसकी डेट जो है उनको दे दी जाती है कि अगली बार हाउस जो है वो इस डेट को लगेगा, ठीक है, इस डेट तक हमारा काम जो है वो फिनिश हो चुका है, अब जो नेक्स्ट काम होगा इस डेट से स्टार्ट होगा, ठीक है, सारे काम हो गए। अब प्रोरोगेशन दोबारा से जो है आपका, मान लो सारा सिलेबस जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट जो आपने कवर कर लिए, आपने मॉक टेस्ट वगैरह सारे दे लिए, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपको बता दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा आपको कह दिया जाएगा कि जितने भी टीचर्स यहाँ पे थे सबने अपने अपने सब्जेक्ट्स में कवर कर लिए हैं, सबने मेंस आंसर राइटिंग जो है प्रैक्टिस वो आपने कर ली है, इसी के साथ आपका जो है सिलेबस जो है वो खत्म होता है, आपका जो बैच जो है वो खत्म होता है, ठीक है, तो वो ऑर्डर किसकी तरफ से आएगा, वो आएगा प्रेसिडेंट की तरफ से, यहाँ पे मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये चीजें होती है आपकी समन, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सिनेडाई और प्रोरोगेशन, ठीक है। अब आते हैं नेशनल इमरजेंसी जो है वो विड्रॉ कैसे होती है, ठीक है, तो ये तीन तरीके जो है उससे विड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। सबसे पहला, अगर प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही इसको रिवोक कर दें, ठीक है, खुद नहीं करते, बेसिकली एडवाइस ऑफ कैबिनेट जो है वही जो है इशू जो होती है उसको क्या कहते हैं, बाय इशूइंग अ प्रोक्लामेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ रेवोकेशन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट खुद ही इसको रिवोक कर दे, रिवोक बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट की एडवाइस, कैबिनेट उन्हें बोले कि ये जो है इसको जो है वो रिवोक कर देना चाहिए, यानी कि खत्म कर देना चाहिए, तो नेशनल इमरजेंसी आपकी वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा, इफ आइदर हाउस डज नॉट अप्रूव इट, ठीक है, ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि अगर ये जो है राज्यसभा मना कर दे कि नहीं नेशनल इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, तो अगर दूसरा हाउस जो है उसको स्पेशल मेजोरिटी जो है उससे पास ना करे, तो आपका ये जो है इसको आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, इफ ईदर हाउस डजंट अप्रूव। तीसरा मेथड जो होता है ये थोड़ा सा ये होता है क्या कहते हैं टेक्निकल होता है, इसी वजह से ये चीज जो थी ये आपको समझा दी थी, ठीक है। तीसरा हाउस क्या होगा, तीसरा केस कब होगा, जब लोकसभा, ठीक है, के वन टेंथ मेंबर्स, ठीक है, इसके वन बाय टेंथ मेंबर्स या एमपीज क्या कहते हैं, वो कह दें प्रेसिडेंट को रिटर्न में दे दें, ठीक है, जब हाउस सेशन में होगा, सॉरी जब हाउस सेशन में नहीं होगा, ठीक है, जब हाउस इसके वन टेंथ मेंबर प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर कौन है आपका, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, और जो राज्यसभा होती है उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है, ठीक है, उसको चेयरमैन कहा जाता है, इसको स्पीकर कहा जाता है आपके लोकसभा वाले को, ठीक है। तो जब लोकसभा के वन टेंथ मेंबर जब हाउस सेशन में नहीं है तब प्रेसिडेंट को रिटर्न में दे, और जब हाउस सेशन में हो तो स्पीकर को रिटर्न में दे, ठीक है, व्हेन हाउस नॉट इन सेशन। इसको रिटर्न में दें दोनों को, या दोनों में से किसी एक को, जब हाउस सेशन में नहीं होगा तब प्रेसिडेंट को रिटर्न में देना पड़ेगा, जब हाउस सेशन में होगा तो स्पीकर को रिटर्न में देना पड़ेगा कि इसकी जो है वो जरूरत नहीं है नेशनल इमरजेंसी की, ठीक है। तो ये जो है प्रेसिडेंट जो होंगे वो स्पेशल सिटिंग जो है वो बुलाई जाएगी, और उसमें या स्पीकर दोनों 14 दिन के अंदर अंदर एक स्पेशल सिटिंग जो है वो बुलाई जाएगी, और उसमें 14 दिन के अंदर अंदर जो है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा कि आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है उसको जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको नेशनल इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। दोबारा से कर दो इसको, विड्रॉ कब होगा, जब प्रेसिडेंट खुद ही रिवोक कर दे कैबिनेट के कहने के ऊपर, ठीक है, कैबिनेट बोले प्रेसिडेंट को कि सर हमें अब जो है नेशनल इमरजेंसी खत्म कर देनी चाहिए, रिवोक कर देना चाहिए, तो उसको रिवोक कर दिया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर दोनों में से कोई एक हाउस जो है वो मना कर दे कि नेशनल इमरजेंसी उसकी जरूरत नहीं है, खत्म, ठीक है। अगर लोकसभा के वन टेंथ मेंबर्स जो है जब हाउस सेशन में नहीं है तब प्रेसिडेंट को रिटर्न में दे,
और जब हाउस में है, सेशन हाउस में, हाउस सेशन में है, तब स्पीकर को रिटर्न में दें, ये कहें कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 14 दिन के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर जो है एक जॉइंट मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी, उसमें सिंपल मेजोरिटी के साथ ये चीज जो है उसको पास कर दिया जाएगा कि अब हमें नेशनल इमरजेंसी की जरूरत जो है वो नहीं है, और उसी के साथ आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज को लिख लो, विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसीज, ठीक है। आपने ये कर लिया कि इमरजेंसी जो है वो किस तरीके से प्रोक्लेम की जाएगी, आपने ये कर लिया कि किस तरीके से उसको विड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। अब जो इमरजेंसी जब लगी आपके ऊपर, ठीक है, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज कब से स्टार्ट, कब से हो जाएंगे, जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी प्रेजिडेंट के द्वारा, ठीक है। अभी पास वगैरह कहीं पे भी नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन इमरजेंसी लगाई जाएगी उस दिन से आपके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो कॉन्सिक्वेंसेज में जो है हम तीन कॉन्सिक्वेंसेज करते हैं कि उसका एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है क्या इंपैक्ट होगा, आपके जुडिशी जो है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और आपके जो फाइनेंसेस जो है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और जो आपका लेजिस्लेचर जो होगी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी के केस में, कि तीनों के ऊपर जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका एग्जीक्यूटिव जो है, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, जो जितनी भी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी या यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक्सटेंड कर जाएंगी, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव और आपकी फाइनेंशियल, और तीसरी कौन सी, आपकी लेजिस्लेचर, ठीक है, कि इन तीनों के ऊपर आपके फाइनेंशियल, इन तीनों के ऊपर आपके ये जो है नेशनल इमरजेंसी, उसके क्या क्या इंपैक्ट जो है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या होंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि बेसिकली लॉज जो है उनको इंप्लीमेंट करवाना, और आपकी एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आते हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, वो सारे वो इसमें आते हैं, आपकी कैबिनेट होगी वो सारी, ठीक है। तो जब किसी स्टेट, कोई जो स्टेट जो होंगी, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव जो होगी, उनकी सारी पावर्स जो होंगी वो सेंटर के अंडर आ जाएंगी, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी वो डिसमिस नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको वो करवाया था ना, टिक वगैरह लगवाए थे कि क्या क्या चीजें जो है वो डिसॉल्व, रेजोल्यूशन, ठीक है। तो जो आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होंगी वो डिसमिस नहीं होंगी, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होंगी, वो वहीं पे रहेंगी, लेकिन उनके ऊपर जो इफेक्ट जो होगा, उनकी पावर जो होगी वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी, वो सारी पावर जो होंगी वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके लेजिस्लेशन के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। तो एक आता है आपका आर्टिकल 250, ठीक है, जिसमें जो है पार्लियामेंट जो होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट जो होते हैं, जो स्टेट के कॉन्करेंट लिस्ट जो होते हैं उसके ऊपर लॉज जो है वो बना सकती है, ठीक है। तो लेजिस्लेशन का काम क्या होता है, लॉज बनाना, ठीक है। अब जब नेशनल इमरजेंसी जब लग गई है, तो स्टेट, मैंने आपको एक लिस्ट सिस्टम कराया था ना शेड्यूल 7 में, लिस्ट सिस्टम, कि कुछ आपके यूनियन सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, देन आपके स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं। यूनियन कौन से, जिनके ऊपर सिर्फ यूनियन लॉज बना सकती है, स्टेट कौन से, जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट लॉज बना सकती है, और देन आपके जो कॉन्करेंट, जिनके ऊपर दोनों लॉज जो है, दोनों स्टेट और यूनियन दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेशन कॉन्सिक्वेंसेज, लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो क्या होते हैं, कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो स्टेट के जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर जो होती हैं वो यूनियन के पास चली जाती है, ठीक है। तो अब यूनियन क्या कर सकती है, स्टेट सब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती थी, उनके ऊपर अब जो लॉ बनाने की पावर जो होती है वो यूनियन के पास चली जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। उसके अलावा पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकसभा। पार्लियामेंट और चीज क्या कर सकती है, कि मान लो मैंने आपको यहां पे बताया था ना, कि यहां पे जब ये करवा रहा था तो मैंने बताया था कि मान लो हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि 2 हफ्ते बाद जो है इलेक्शंस जो है दोबारा से कंडक्ट होने थे। ये जो जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो इसके ऊपर स्टेट जो है क्या कर सकती है, स्टेट मतलब आपकी सेंटर भी और जो दूसरी स्टेट जो होती है वो भी, ठीक है, उनके ऊपर, लेकिन पावर किसकी होगी, सेंटर की होगी, ठीक है। तो सेंटर क्या कर सकती है, अपनी लोकसभा जो होती है उसकी पावर 1 साल के लिए, अपनी लोकसभा का टेन्योर जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। 5 साल, मान लो 5 साल का जनरल टाइम पीरियड होता है, तो उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है।
तो ये किसके दौरान? नेशनल इमरजेंसी के दौरान। सेम आपका सेल्स का भी जो टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है, उसको एक साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, किसमें? नेशनल इमरजेंसी में। लेकिन इसके साथ आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही इसमें दो चीजें जो थी वो उनको और इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो उसमें यह कहा गया कि स्टेट जो है वो इसको एक्सटेंड जो है वो तो कर सकती है, लेकिन उसी के साथ साथ सॉरी जो आपका यूनियन है उसको एक्सटेंड तो किया जा सकता है एक साल के अंदर अंदर, लेकिन एंड इन द इवेंट ऑफ विड्रॉन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है उसको विड्रॉ किया जाता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से नए इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो क्या हुआ, 1 जनवरी 2023 को आपको प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ठीक है, 1 फरवरी को जो है आपका टेन्योर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का टेन्योर जो है वो खत्म हो जाना था, ठीक है। 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने क्या किया, अपना टेन्योर जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा लिया, ठीक है। तो वो मान लो जब अगर 1 फरवरी 2023 को जो उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाना था, तो वो टेन्योर अब कब तक एक्सटेंड हो गया? 1 फरवरी 2024 तक, ठीक है, ये जो है एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटी, मान लो हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि 1 फरवरी 2014 से पहले जो है नेशनल इमरजेंसी जो है उससे 24 से पहले नेशनल इमरजेंसी जो है वो हट गई, ठीक है। मान लो कब हट गई? 6-7 हफ्ते पहले ही हट गई, ठीक है। हाइपोथेटिकली मान लो कि 7 हफ्ते, इससे 7 हफ्ते पहले ही हट गई, ठीक है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि इसका टेन्योर जो था वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि इसका टेन्योर इसके बाद जो है इलेक्शंस 1 फरवरी 2024 के बाद इलेक्शंस करवाए जाए, नहीं। जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी हटती है, उसी के 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन जो है, न्यू इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके लेजिस्लेटिव जो है कॉन्सिक्वेंसेस की सरकार अगर चाहे तो अपना टेन्योर जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है, वैसे ही उसको जो है ये नए फ्रेश इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट्स होती है ना, जो उसके जितने भी जो आपके फाइनेंसेस जो होते हैं वो सारे यूनियन के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। उसके अलावा इसके जो आपकी ये जो होती है नेशनल इमरजेंसी, इसके इफेक्ट्स होते हैं हमारे इसके ऊपर फंडामेंटल लॉज के ऊपर, हमारे क्या इफेक्ट डालती है ये नेशनल इमरजेंसी, उसको भी देख लेते हैं साथ ही में। फिर इसके साथ जो आपका नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं हमारे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसमें 2 आर्टिकल जो है वो आपके आते हैं, एक आता है आपका आर्टिकल 358 और एक आता है आपका आर्टिकल 359, ठीक है। 358 आर्टिकल आपका क्या कहता है, ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन जो है उसकी बात करता है, ठीक है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन। और यहां पे सस्पेंशन बाय नोटिस। आर्टिकल 358 क्या कहता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगी हुई है, कौन से ग्राउंड्स पे? 2 ग्राउंड्स पे। कौन कौन सा? पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर इन दोनों के बेसिस के ऊपर आर्टिकल 358 क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों के बेसिस के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो आपका आर्टिकल 19 जो होगा वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 वो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, घूमने फिरने की आजादी की बात करता है, ठीक है। 5 उसके में क्या कहते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1, देन उसके 5 सब क्लॉसेज जो है वो मैंने आपको समझाए थे अच्छे से कि आप कहीं पे भी रह सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी घूम सकते हो, आपको बोलने की आजादी होगी, इकट्ठे होने की आजादी होगी, ठीक है, और बहुत सी चीजें जो है थॉट एंड एक्सप्रेशन की आजादी होगी, लिखने की आजादी होगी, वो सारे मैंने आपको आर्टिकल 19 के अंदर करवाए थे। तो अगर हमारे देश में कहीं पे भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, तो आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। क्या, कौन कह रहा है ये बात? आर्टिकल 358, ठीक है, कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ये है आपका इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 358, ठीक है। आर्टिकल 359 क्या कहता है, ये सस्पेंशन बाय नोटिस की बात करता है। ये क्या कहता है कि अगर हमारा देश जो है, अगर उसमें नेशनल इमरजेंसी लगी है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आर्म्ड रिबेलियन,
आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगी हुई है तो आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो ही गया, ठीक है। जब एक्सटर्नल आर्म्ड रिबेलियन की बात आ गई या इन तीनों में से इसकी बात आ गई तो आर्टिकल 359 क्या कहता है कि हमारे सारे राइट जो है उनको सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कि हमारे सारे राइट जो है उनको सस्पेंड किया जा सकता है बाय नोटिस, लेकिन प्रेजेंट जो होंगे उनको पहले नोटिस नोटिफाई करना पड़ेगा, नोटिस निकालना पड़ेगा कि आपके सारे आर्टिकल ये वाले सारे फंडामेंटल राइट्स या ये वाले फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपके जो है इनको सस्पेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट एक नोटिस निकालते हैं उसमें बता दिया जाता है कि ये वाले आपके राइट्स जो है उनको सस्पेंड किया जा रहा है, सारे राइट्स जो आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये कहता है आपका आर्टिकल 359, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये जो है नेशनल इमरजेंसी फिनिश हो जाती है। एक मैंने आपको जर्नी करवानी है आर्टिकल 352 की, नेशनल इमरजेंसी की जर्नी जो है वो करवानी है, लेकिन उससे पहले जो है जितना अभी तक कर लिया है उसके नोट्स बना लो। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है जर्नी ऑफ आर्टिकल 352 की, जो नेशनल इमरजेंसी जो है वो उसके अंदर कौन कौन सी प्रोविजन जो है वो किस तरीके से आई या किस तरीके से उसकी जर्नी जो है वो अब तक की जर्नी जो है इसकी आर्टिकल 352 की या नेशनल इमरजेंसी की अब तक की जर्नी जो है वो किस तरीके की रही है, ठीक है। तो जब नेशनल इमरजेंसी जो है जब लेके आई गई तो उसमें सबसे पहली जो अमेंडमेंट लाई गई 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था, ठीक है। तो उसमें क्या किया था, 1975 का एक्ट है ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें जो है क्या कर दिया गया था कि नेशनल इमरजेंसी जो थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है, तो जो नेशनल इमरजेंसी जो थी उसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। उसमें यह कह दिया गया था कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसके ऊपर किसी भी तरीके का जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मीनवाइल 1973 में हमारी जो ये थी जुडिशियरी थी उसको ब्रह्मास्त्र जो था उनका वो मिल ही चुका था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आता है, इन बिटवीन बहुत सी आपकी जजमेंट्स वगैरह वो भी आती है, तो उसमें कहा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसको आप जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर नहीं कर सकते, ठीक है, उसके ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू वो होना चाहिए, ठीक है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बेसिकली ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये सारा जो हमारी नेशनल इमरजेंसीज जो है या बेसिकली आपका प्रेजिडेंट रूल है या दूसरी इमरजेंसीज जो है इनके अगेंस्ट आया था, क्योंकि जो आपकी नेशनल इमरजेंसीज जो थी ना ये लोगों के ऊपर बहुत सी प्रताड़नाएं जो है वो कर रही थी, ठीक है। प्रताड़ना किस तरीके से उनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीन लिए जाते थे, ठीक है, और बहुत सी चीजें जो है प्रेजिडेंट जो होता है उसको रिटर्न में नहीं देना पड़ता था कैबिनेट को, ठीक है, कैबिनेट को पता ही नहीं होता था कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई है या जो है प्रेजिडेंट रूल जो है वो लगा दिया गया, ठीक है। तो उनको जो है वो रेडियो वगैरह से सुन के उनको पता लगता था कि अच्छा हमारे देश में तो इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है। तो जो आपकी कैबिनेट होती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो अपनी मर्जी से डिसीजन जो है वो लेती थी, ठीक है, वो किसी से पूछती भी नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इसमें ये कहा गया कि सबसे पहले तो ये बात की गई कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसको जुडिशियल रिव्यू से आप बाहर नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरा उसके बाद जो है एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें और भी चीजें हुई, धीरे धीरे और करवाता हूं आपको। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, उसने क्या बोल दिया कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसको पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, ठीक है, और देश के कुछ पार्ट जो है वहां पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये किसमें कहा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1976, ठीक है। तो ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें बहुत सी बातें जो की गई, उसमें एक बात और की गई, यहां पे पहले क्या होता था कि जब स्टार्टिंग की थी तब मैंने आपको बताया था ना कि इंटरनल एग्रेशन या इंटरनल इमरजेंसी जो है वो वर्ड जो था वो इंक्लूडेड होता था, ठीक है। तो वहां से क्या किया इन्होंने, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो क्या चीज होती है, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तो इनके पास जवाब नहीं था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो होती है वो आप किस चीज को मान रहे हो, इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो ये भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई बंदा अपने घर में बैठ के जो है ये सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा हो, ठीक है, तो हो सकता है इंदिरा गांधी के लिए वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, तो वो उसके बेसिस पे ये थोड़ी है कि देश के ऊपर इमरजेंसी लगा देगी, ठीक है। तो इस वजह से
ये इंटरनल डिस्टर्बेंस जो थी उस वर्ड को चेंज किया गया हमारी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन से चेंज किया गया। ये सारा जो है ये मैंने आपको लिखवाना है, ठीक है। तो एक चीज तो ये की गई कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो थी उसको आर्म्ड रेबेलियन से चेंज किया, कि अगर देश में रेबेलियन हो जाती है और वो रेबेलियन आर्म्ड हो, ठीक है, लोग हथियार लेके सामने आ जाए, तब जो होगा उसको आर्म्ड रेबेलियन जो है वो माना जाएगा, उस केस में आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। ये नहीं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, कुछ भी चीज को इंटरनल डिस्टर्बेंस बना के आप जो है देश में इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन जब उनको रिटन रिकमेंडेशन आएगी बाय कैबिनेट, कि प्रधानमंत्री एमरजेंसी लगाने भी जा रहा है, पहले वो अपनी कैबिनेट को बताएगा, कैबिनेट रिटर्न में देंगे प्रेसिडेंट को, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाई होता है तब प्रेसिडेंट जो है वो एमरजेंसी जो है वो लगाएगा, ठीक है। तो ये बात जो ये भी ऐड की गई आपकी इसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके अलावा वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस एमरजेंसी कैन रिमेन इन ऑपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है, कि अगर एक हाउस जो है उसको दोनों हाउसेज जब उसको अप्रूव कर देते हैं तो जो इमरजेंसी जो है वो 6 महीने के लिए रहेगी एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद 6 महीने के लिए दोबारा से उसके ऊपर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू उसके ऊपर वोटिंग होगी, दोबारा से उसको 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी कहां पे ऐड की गई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। उसके अलावा एट द टाइम इफ इट हैज टू कंटिन्यू, इट हैज अगेन passed by both the houses of parliament, ठीक है। लेकिन जो ये जो मैंने आपको बात बताई ना कि हर बार 6 महीने तक के लिए ही रहेगी, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें ये लिखा गया था कि इमरजेंसी एक बार लग गई, ठीक है, तब वो लगी रहेगी जब तक उसको रिवोक जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी वजह से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उन्होंने बोला कि 6 महीने के लिए लगाओ, उसके बाद दोबारा से उस पर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू वोटिंग करवाओ, देन दोबारा अगले 6 महीने के लिए लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से चलाओ, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कहा गया था कि एक बार लग गई जब तक उसको रिवोक नहीं किया जाएगा तब तक वो जो है वो लगी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा और चेंजेस क्या हुए, आर्टिकल 358 जो है उसको अमेंड किया गया, ठीक है, उसमें क्या बोला गया, वॉज अमेंडेड एंड इट इज सेट दैट आर्टिकल फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 9 कैन ओनली बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वॉर, ठीक है। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड किया जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अंडर आर्टिकल 358, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें यह कहा गया था, आर्टिकल 358 किसके अंदर आएगा, एक वॉर और दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन। तो आर्टिकल 19 जो है वो कब सस्पेंड होगा, जब जो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें बोला गया था वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, इन तीनों के बेसिस में जो कभी भी अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो आपका आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको अमेंड किया आर्टिकल 358 को और बोला कि सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होगी तभी जो आपका आर्टिकल 19 जो होगा वो सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। और चेंज क्या किया, एक्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। तो आर्टिकल हमने 359 किया, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सारे राइट्स जो है वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे, कौन कौन से छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21, जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें सारे राइट्स जो है उनको सस्पेंड करने की बात की जा रही थी, इंक्लूडिंग आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या कहा कि सिर्फ दो राइट जो है, ये दो राइट आर्टिकल 20 एंड 21, इसको आप नहीं छीन सकते, ठीक है, राइट टू लाइफ, ठीक है, आर्टिकल 21 इसको नहीं छीना जा सकता, बाकी आर्टिकल जो है बाय नोटिफिकेशन आप जो है उनको ले सकते हो, ठीक है, सस्पेंड जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो नेशनल इमरजेंसी जो है वो फिनिश होती है, ठीक है। अब बनाओ इसके एक चीज और, आपके ओरिजिनल एक टेबल है जो बनाना है आपको कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या दिया गया था और जो बाद में अभी करंट सिचुएशन जो है वो क्या है, ठीक है, अप्रूव्ड, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ओरिजिनली क्या था और अभी करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो है ओरिजिनली जो है इसमें क्या बोला गया था,
कि 2 महीने के अंदर अंदर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास करना होगा। सिंपल मेजोरिटी कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई गई है तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या दिया गया था कि जो टाइम पीरियड मैंने आपको यहां पे 1 महीने का बताया ना, ये 2 महीने का होता था, ठीक है, कि 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज उसको पास करेंगे। किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अभी क्या, अभी करंट में क्या चल रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर पास करना है, ठीक है, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, दोनों हाउसेस को, ठीक है, दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना है। अगर पास नहीं करता, कोई एक हाउस पास नहीं करता, तो आपकी नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। देन आपके आते हैं प्रेसिडेंट रूल पे, ठीक है। तो यहां पे क्या था, 2 मंथ्स सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, कि दोनों 2 मंथ्स के अंदर अंदर जब प्रेसिडेंट रूल जो है लगाया जाता है तो दोनों हाउसेस को 2 महीने के अंदर अंदर अंडर सिंपल मेजोरिटी उस चीज को पास कर देंगे, तो आपका प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगना, मतलब उसका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रेसिडेंट रूल के बारे में। तो इसका भी करंट में क्या चल रहा है, ये करंट में भी 2 मंथ्स ही है, ठीक है, 2 मंथ्स और सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी सेम, 2 मंथ्स सिंपल मेजोरिटी, और यहां पे भी सेम, 2 मंथ्स सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो बस यहां पे चेंजेस हुए आपके, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था कि 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस जो है उसको पास करना है सिंपल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। यहां पे क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर पास करना है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। अगर पास नहीं किया जाता तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका नेशनल इमरजेंसी जो है उसका टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब लिखो इसके बारे में, जर्नी ऑफ आर्टिकल 352।